वन। तो फ्रेंड अगर आप भी इस तरह के छात्र के साथ स्काई चेंज वाली वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत ही सरल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को ट्यूटोरियल मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद आपको प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा, आप मीडिया पे जाके जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ उस वीडियो को लेकर के आ जाना है। वीडियो के आ जाने के बाद आपको सबसे पहले इसका वॉल्यूम कम कर देना है, ओके कीजिए, फिर इसका स्टार्टिंग पार्ट जो काम का पार्ट नहीं है स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट को ट्रिम कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जाइए ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपने ये छाता ओपन किया और ओपन करके आप कब ये ऐसे कैमरा के सामने लेकर आए, ठीक है, इतना, ठीक है। ऐसे जैसे लाते हैं आपको इधर पे क्या करना है, इसको ट्रिम पर जाइए, स्प्लिट हेड प्ले हेड कर दीजिए, ठीक है, ओके कीजिए। यहाँ पर मैं और एक ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि मेरा छाता खोलने में टाइम लगा था, तो उसको मैं थोड़ा स्पीड में कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, चाहे तो आप ये पहले वाले पार्ट को तो ऐसे रखिए, ठीक है, ये वाले पार्ट को मैं अपनी ओर से स्पीड कर देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से स्पीड कर दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। फिर ये वाले पार्ट को स्पीड में जाइए, उसके बाद इसको 0.5 कर दीजिए ताकि स्लो हो जाए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको इस सेव वाले बटन पर जाके इस प्रोजेक्ट को पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको वापस से बैक जाना है, वापस से इसी प्रोजेक्ट में इस वाले क्लिप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कलर फिल्टर में जाना है, बेसिक में जाना है, फिर यहाँ नीचे में जाइए, ये B34 है उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ओके कीजिए। उसके बाद वापस सेलेक्ट कीजिए, फिर एडजस्टमेंट में जाइए, उसके बाद आप इसका ब्राइटनेस को थोड़ा स्लो कर दीजिए, ठीक है, कितना कम होगा आप कर दीजिए, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है, सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है, आप इतना अपने हिसाब से कर दीजिएगा। फिर नीचे में जाइए, हुई को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि आपको ऐसा करना है एडजस्टमेंट जिसमें आपका स्काई पूरा ग्रीन हो जाए और नीचे का जो भी है वो पूरा काला हो जाए, ठीक है। इतना होने के बाद आपको वापस से यहाँ पे ओके करना है, फिर वापस से सेव बटन में जाके इसको एक्सपोर्ट कर देना है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रोजेक्ट में। तीसरे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सबसे पहले इसको प्लस वाले आइकन में क्लिक करेंगे, 9:16 सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आएगा, मीडिया पर जाके आप ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके लेकर के आ जाइए, ठीक है। फिर इसके लेंथ को आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, आपका वीडियो क्लिप होगा उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ओके कीजिए। फिर लेयर पर जाइए, मीडिया पर जाइए, और अभी आपने जो भी वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को लेकर के आ जाइए, ठीक है। देखिए ये वाला वीडियो आ जाने के बाद आपको क्या करना है, ये बीच वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कीजिए, इसको फुल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि आपका ये वीडियो क्लिप कहाँ तक का है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को ट्रिम पर जाइए, टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिए, ठीक है। अभी इतना भाग हो गया, अभी वापस आपको लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, और जो सबसे पहला वाला वीडियो क्लिप आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को लेकर के आना है, ठीक है। देखिए दूसरा वीडियो क्लिप भी आ गया, अभी इस वीडियो क्लिप के आने के बाद आपको इसमें क्या करना है, ये बीच वाले में जाइए, इसको ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। देखिए एडजस्ट हो गया, फिर इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये वाला थोड़ा और मैं हल्का सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अभी इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिल्टर पर जाना है, कलर फिल्टर पर जाइए, बेसिक में जाइए, इसमें ब्लू कलर किससे होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, देखिए B37 इसे ब्लू हो गया, ठीक है। अभी आपका कुछ रेडी तो हो गया है, अभी आपका कुछ वीडियो तो रेडी हो चुका है आधा। अभी आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे जाना है, आपका देखना है कि आपका ये ग्रीन कब हो रहा है, ठीक है।
नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करना है, इस पर ट्रिम पर जाइए और इसको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। उसके बाद ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट कीजिए, इस पर ट्रिम पर जाइए और इसको स्प्लिट एट प्लेहेड कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहीं पे क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से आपको स्काई का इमेज सेलेक्ट करके लेकर के आना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्काई का इमेज आने के बाद आपको क्या करना है, इसको पहले थोड़ा जूम कर देना है, ठीक है, अपने हिसाब से आप जूम कर दीजिएगा, मैं जूम कर लेता हूँ पहले। ठीक है, इतना जूम होने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये एडजस्ट होने के बाद आपको इसके क्लिप को, इमेज वाले क्लिप को आपके वीडियो क्लिप के हिसाब से बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर जाना है, फिर सेंड टू बैक जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर वाले लेयर जो ग्रीन कलर का लेयर है उसको सेलेक्ट करना है, फिर इसका क्रोमा की कर देना है, ठीक है। देखिए क्रोमा की कर दीजिए, ओके, ठीक है, हो गया, इसको ओके कर दीजिए। अभी आपका करीब वीडियो पूरा बन के रेडी हो चुका है, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, आपका ये पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कोई सा भी इसमें सॉन्ग लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑडियो पे जाइए और अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट करके लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा वीडियो अगर बन जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर जाके आपको अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ओके। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।